और उत्तराखंड के वित्त शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शनिवार को 34वां नैनबाग शरदोत्सव का रिबन काटकर उद्घाटन किया है। स्वर्गीय सरदार सिंह रावत राज्य की इंटर कॉलेज टटो नैनबाग में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने सरदार सिंह रावत के स्मारक पर माल्यार्पण किया है। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने मंत्री को स्मृति चिन्ह और शॉल भी भेंट किया है। मंत्री ने इस 4 दिवसीय नैनबाग शरदोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी को शरदोत्सव की शुभकामनाएं बधाइयां दी है। साथ ही खेल प्रतियोगिताओं के लिए सभी प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र में आवश्यक कार्य पड़ने के कारण मुख्यमंत्री का शरदोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना नहीं हो पाया है। आगे उन्होंने कहा कि मेला सभी को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजाति विकास समिति नैनबाग जौनपुर टहरी गढ़वाल ने पहाड़ की संस्कृति धरोहर को संजोने का बेहतर कार्य किया है। इस मौके पर समिति ने 4 बिंदुओं की मांग पत्र पर मंत्री ने कहा है कि मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सभी आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने मेले के बहुउद्देश्य शिविर और स्टॉल के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है, लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसे आपसे बहुत बधाई देते हुए और हमारे जिला प्रशासन की ओर से भी अनेकों यहाँ स्टॉल लगे हैं, अनेकों यहाँ पे बहुत ऐसे शिविर के माध्यम से जानकारी, जैसे मैंने कहा मैं पहले भी मेरा आना हुआ है और निश्चित रूप से सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं आपको बल्कि जितने हमारे यहाँ के सदस्य आए जो समिति के लोग हैं इनको सहयोग प्रदान करने वाले लोग हैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। हम जानते हैं 1988 से हमारा मेला प्रारंभ हुआ और जिस प्रकार से मेले हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे लोगों को छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मेले उनको एक सूत्र में जोड़ने का काम करते हैं और आप सभी को इस नाते बहुत बधाई देते हुए और हमारे जिला प्रशासन की ओर से भी अनेकों यहाँ स्टॉल लगे हैं, अनेकों यहाँ पे बहुत ऐसे शिविर के माध्यम से जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ।